खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विमान से उतरते ही दिखी पीएम मोदी की विनम्रता। एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों के 16 सीईओ से हुई मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में हुए करार। ह्यूस्टन में सिख समुदाय से पीएम मोदी ने की मुलाकात। ह्यूस्टन में बोहरा समुदाय से भी मिले मोदी। कश्मीरी पंडितों से भी हुई पीएम मोदी की मुलाकात। लोगों ने जो कष्ट झेला है वो भी हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। अगेन नमो नमः। अब दुनिया को है इंतजार मोदी के मेगा शो का। हाउडी मोदी, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में हैं और कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने फिर कुछ ऐसा पीएम मोदी को लेकर बोला है जो उन्हीं की पार्टी को चुभेगा। थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है और कहा है कि वो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। मेरी विश्वास ये है कि भारत के हित का प्रश्न जब होता है, इसमें ना भाजपा का पॉलिसी है ना कांग्रेस का, सिर्फ भारत का है। विदेश कार्य तो भारत का होना चाहिए और विदेश में जब कोई भी प्रधानमंत्री गए, कोई भी पार्टी की, शायद देवगढ़ा साहब हो, गुजराल साहब हो, वाजपेयी साहब हो, मोदी साहब हो, कोई भी हो, कांग्रेस लोगों के विश्वास में, मेरे ख्याल में एटलीस्ट मेरी पर्सनल विश्वास ये है कि वो भारत का प्रधानमंत्री है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो कोई भी प्रधानमंत्री को, हमारे जो हमारे झंडा लेके बाहर जाता है वो उनको मिलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है। तो शशि थरूर को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे विदेश में गया कोई भी प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है।